भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, भोपाल से मनोज शर्मा और दिल्ली से जावेद मंसूरी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर चलते हैं भवानी के पास। भवानी, सबसे पहले ये कुत्थी सुलझाइए कि इन्होंने तो कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान गई हैं, यहाँ पर परिवार से उन्होंने नाता तोड़ लिया, वहाँ दूसरा निकाह कर लिया, अब वापस किस मंसूबे से आई है? अब वापस वो अंजलि बन के आई हैं या कुछ और बन के आई हैं? उनका धर्म परिवर्तन हो चुका है, वो अंजलि थॉमस हैं या कुछ और, अंजू थॉमस है या कुछ और? देखिए आनंद, काफी सवाल है इसको लेकर, वापस आने को लेकर, भारत आने को लेकर। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले नसरुल्ला ने वहाँ पाकिस्तान में कहा था कि अंजू को बच्चों की याद आ रही है, इसलिए वो भारत जाना चाहती है, अपने बच्चों को लेकर आना चाहती है। ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर बच्चों की अगर इतनी याद आती तो अंजू जाती नहीं है। और उसके बाद में उसने बच्चों से जब एक बार बात कराने की कोशिश की तब भी वो शायद एक बार ही उसने बात की, उसके बाद में बात भी नहीं की। अब तीन चीज़ें हो चुकी है। एक नंबर एक, वो कन्वर्ट हो चुकी है, पहले हिंदू से क्रिश्चियन हुई यहाँ पर, फिर उसके बाद में क्रिश्चियन से अब मुस्लिम है। तो एक तो उसका पहले से ही वो धर्म परिवर्तन कर चुकी है। दूसरा, नसरुल्ला के साथ में वो पहले कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, संतुष्ट है, उसके बाद में अब जो आई है इसको लेकर काफ़ी सवाल है कि अंजू क्या बच्चों को वाकई में बच्चों को लेने के लिए आई है या फिर यहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ पर और किसी मकसद से आई है। ये तमाम सवाल है, इसलिए अलवर पुलिस इंतज़ार कर रही है अंजू का कि भिवाड़ी में वो जब आएगी तो सबसे पहले उसको पूछताछ करेगी। अभी अंजू के जो पति है अरविंद अपने घर पर नहीं है और अरविंद ने दो दिन पहले बात हुई थी, साफ कर दिया था कि अंजू से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, न वो बच्चों को अंजू के साथ भेजेंगे, न अंजू को हैंडओवर करेंगे। दूसरी तरफ एक पार्टी और है जो अंजू के पिता जो ग्वालियर में रहते हैं उनका फरीदाबाद में एक कनेक्शन है जहां पर पहले कुछ वक्त के लिए रहे थे जी, तो वो भी बता रहे हैं, वो भी पल्ला झाड़ चुके हैं। तो अब कई सारे सवाल है कि अंजू आई क्यों, क्या अंजू बच्चों को लेकर जाएगी, जब अरविंद के पास जाएगी तब तस्वीर साफ होगी पूरी, वही इंतजार किया जा रहा है। अभी अरविंद तक अंजू नहीं पहुंची जी। देखिए, इसमें सवाल बहुत सारे हैं। मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं और जावेद मंसूरी भी हमारे साथ हैं। जावेद, सबसे पहली बात मैं दिल्ली में आपसे जानना चाहूँगा कि ये दिल्ली एयरपोर्ट में कैसे आई थी और इन पर क्यों एजेंसीज की नज़र नहीं है? सबसे बड़ी बात कि कोई हिंदुस्तानी यहाँ से पाकिस्तान जाता है, वीज़ा की अवधि से आगे वहाँ पर वो रहते हैं और फिर वापस भी आती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में इनको नहीं रोका आने से और यहाँ भारत में इनको अंदर आने से नहीं रोका गया। देखिए, अंजू जिस तरह से भारत में दाखिल हुई हमें देखना होगा, अटारी वाघा बॉर्डर के वो जरिए अंजू भारत में आई और वहाँ से वो अमृतसर एयरपोर्ट पर जाती है और जो खबर है वो ये कि आईबी और पंजाब पुलिस ने एक लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद अमृतसर से रात अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर करीब एक घंटे की गहमा गहमे के बाद अंजू एयरपोर्ट के बाहर आई, वहाँ मीडिया से अंजू की बात हुई और उसके बाद अंजू निकल गई। अब अंजू कहाँ है सवाल ये है, हम आपको बताते हैं। अंजू की लास्ट लोकेशन रात सोनीपत में थी, उसके बाद वो कहाँ गई अभी नहीं पता है। देखिए, जो अरविंद है, अरविंद के घर ताला लगा हुआ है, भवानी बता रहे हैं अरविंद घर पर मौजूद नहीं है। ग्वालियर में उनके पिता और उनके गांव वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं आने देंगे, गांव वाले विरोध कर रहे हैं। तो अंजू अब रहेगी कहाँ आनंद, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो वो अपने बच्चों को ले जाने की बात कह रही है, अरविंद और अंजू में आगे किस तरह से बात बनेगी ये देखना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा। अंजू ने शुरुआत में ये कहा कि उसको बच्चों की याद आ रही है लिहाजा वो भारत आई है, लेकिन वो बच्चों से मिल भी पाएगी या नहीं, या मिल पाएगी तो ले जाएगी कैसे, ये बड़े सवाल है। लेकिन दिल्ली में कोई पूछताछ हुई है नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। एयरपोर्ट से अंजू हरियाणा गई, हरियाणा में रात सोनीपत में उसकी रात लोकेशन थी आखिरी, और उसके बाद झज्जर के आसपास बताया जा रहा है कि कोई जानकार है अंजू जिसके साथ अभी वहां पर है, लेकिन ये पुष्ट खबर नहीं है। हरियाणा में लोकेशन अंजू की पाई गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना होगा जी। जी, अब आप मनोज बताएं कि भोपाल कनेक्शन क्या है और अंजू हरियाणा से भोपाल कैसे आने वाली है, वहां क्या होगा? असल भोपाल जो मध्य प्रदेश का कनेक्शन है वो है ग्वालियर का कनेक्शन। ग्वालियर की जो बीएसएफ की एकेडमी है जिसमें आप भी कई मर्तबा जा चुके हैं, टेकनपुर में, टेकनपुर के पास आनंद एक छोटा सा गांव है बोना गांव। बोना गांव में गया प्रसाद जो थॉमस है जो कि उसके पिता हैं, और गया प्रसाद से हम जैसी की न्यूज 18 इंडिया तस्वीरें दिखा रहा है कि जब अंजू के वापस आने की बातचीत गया प्रसाद से पूछा गया तो वो बेहद
गुस्सा है, खफा है और वो इस बारे में मीडिया से कोई बातचीत अपनी बेटी के बारे में नहीं करना चाहते। गांव के सरपंच से जब हमने बातचीत की तो गांव के सरपंच सीधे तौर पर कह रहे हैं नो एंट्री अंजू के लिए टेकनपुर के इस बोना गांव में, यानी उसके 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 मायके में नो एंट्री का की बात जो कह रहे हैं उसके सरपंच कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं। और पहले जब खुद हम वहां पहुंचे थे तब भी यही बात होती थी आनंद कि गांव के लोगों को ये बात बेहद बुरी लगी थी। वो तो ये बोलते हैं सीधा सीधा कि दुश्मन देश पाकिस्तान आकर अंजू गई क्यों थी, ये अगर उसकी प्यार मोहब्बत भी थी अगर तो वो दुश्मन देश क्यों गई थी।